दर्शकों, जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज दफेता पब्लिक में आपका स्वागत है। पेश है आज की खास खबर। विक्रम संवत 2074 के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी के काशीराम देहलवाल जी ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और वहीं विक्रम संवत 2075 का स्वागत नगर निगम ग्वालियर और भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यादव द्वारा सांस्कृतिक आयोजन व कवि सम्मेलन से किया गया। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काशीराम देहलवाल द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सिकंदर कंपू पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। होली मिलन समारोह के दौरान यहां आने वाले मेहमानों का स्वागत होली चंदन लगाकर किया गया। उसके बाद इसमें शामिल हुए मेहमानों ने आत्मविश्वास और कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। आयोजन के दौरान आयोजक द्वारा सम्मान के पेश मिला आज के दौरान बेटियों की अवस्था के ऊपर एक कटाक्ष को सुनाना चाहूंगी कि धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत प्यार के कुछ बहार के कुछ सिंगार के लाई। बेलगांव के संजय शर्मा जी, हमारे अर्जुन जाटव जी, पप्पू अब्दुल हमीद जी, अजय सिंह कुशवा जो हमारे राष्ट्रीय सदस्य हैं, हसन अहमद जी, हमारे दयाल माहौर साहब, सखाव पठान जी, मुस्तफा खान जी, धनपाल जाटव जी, बाबू खान नेता जी, शहजाद पहलवान जी, आयाज पहलवान जी, हमारे फूल सिंह कुशवा जी, गोपाल कुशवा जी, हमारे मदन कुशवा जी, हमारे मुन्ना साहेब, साहिद खान, धर्मेंद्र जी, हमारे उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे जितने कुसुम शर्मा जी, हमारी बहू भी बेटी है वहाँ शोभा देलवा जी, हमारे बीच में और बैठे हैं हमारे दिव्या और पत्रकार बंधु जी, डॉक्टर तस्लीम अहमद भी आए हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मैं एक एक नाम जानता हूँ, मैं सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, पर हाँ जब भी मुझे याद करोगे आप, मैं आपको अपना खून पसीने तक देने तैयार हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और कहते हैं कि समाज पर जो फिदा होगा, समाज पर जो फिदा होगा, बड़ा ही नेक इंसान होगा, करेगा काम जो आगे वही ऊंचा खड़ा होगा। साथ ही हमारे बीच में एक ऐसी विभूति है, छोटी बच्ची भी है, दिव्या इसका नाम है, वो हमारे रवि पत्रकार जी की बेटी है, आपके बीच में आ रही है, कविता सुनाएगी। इसके बाद हमारे बीच में एक और है, डॉक्टर हुकम सिंह कुशवा जी, वो भी अपने आप की शख्सियत हैं, उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, वो भी दूसरे को लेंगे। हमारे बीच में बाल खाने भी बैठे हैं, वो हमारी एक शख्सियत है समाज की और पार्टी की, वो भी है, वो सब कहेंगे। आइए जी, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लीवा के ले गया, ना जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पराई, ना जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पराई। एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कट गए फट्टे, और बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को लीवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लीवा के ले गया, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, सारे चाट गया रसगुल्ले करके ठंडाई के गुल्ले, बोतल खाली कर कर ढक्कन दे गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लीवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लीवा के ले गया। हाँ उसने ऐसी कला दिखाई चौकीदारी काम न आई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लीवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लीवा के ले गया। एक खत को सुनाना चाहूंगी, एक देवर भाभी के बीच की बातचीत है।
एक देवर अपनी भाभी से कहता है कि गोरे गोरे गाल तो रे गोरे गोरे धरे भाई, भौजिया बताओ का तुम्हारी हड़ताल है। गोरे गोरे गाल तो रे गोरे गोरे धरे भाई, भौजिया बताओ का तुम्हारी हड़ताल है। भौजी बोली ऐसी कोई बात नहीं देवर जी, होली की उमंगों का मुझे पूरा ख्याल है। चाहे तो ये माटी मेरे गालों से लगा दो, क्योंकि मेरे और देश के स्वाभिमान का सवाल है। भारतीय की बेटी हूँ मैं, गाल है मेरे स्वदेशी, और तेरा ये गुलाल प्यारे चाइना का माल है। भारतीय की बेटी हूँ मैं, गाल है मेरे स्वदेशी, और तेरा ये गुलाल प्यारे चाइना का माल है। काशीराम जी के बारे में मुझसे पहले भी बहुत कुछ कहा गया है। एक ईमानदार, सच्चे और समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले आदरणीय काशीराम जी की पहचान इस शहर में है। हमारी उनको वो तमाम शुभकामनाएं हैं कि उनका जो भी समाज में, राजनीति में जो भी उनको ऊंचाइयां मिल सकती हों, जहां पर भी वो जा सकते हों, और उस जाने में जहां हमारी आवश्यकता है हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग सब साथ। आज के परिवेश में एक राजनीतिक चर्चाएं लोगों के बीच में होती हैं, तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में पैदा की जाती हैं, और वो एक पक्ष होता है जो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोगों के बीच में किस प्रकार से मतभेद पैदा हों, हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे हों, इस प्रकार के षड्यंत्र भी चलते हैं। लेकिन मैं इस होली मिलन के माध्यम से, मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित मैं समझता हूँ हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी हैं, जहाँ पर भी काशीराम जी को हमारी आवश्यकता होगी हम उनके साथ। भाइयों, आप पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा हमारी सामाजिक विचारधारा के ठीक विपरीत चल रही है, और इस विचारधारा से हमारी सामाजिक जो सद्भावनाएं हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हर तरफ अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इसे हम एकता में सजोने के लिए उस अवसर को जो आपने खोया है प्राप्त करने के लिए आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले आगामी विधानसभा और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में अगर आप ये ठान लें कि हम अपने प्रतिद्वंदियों को, जिन्होंने हमारे सामाजिक सद्भाव को चुनौती दे रखी है, उन्हें इस प्रदेश से ही नहीं देश से फाड़ फेंकेंगे, और किसी भी प्रकार की बाधा हमारे मार्ग में आएगी उसे भी हटा देंगे। मैं कह देना चाहता हूं कि अगर मौका मिला भाई बालखंडे जी की पार्टी से हमारे भाई काशीराम जी को, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने प्रतिबिंदुओं से पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जिस तरह का इतिहास 1985 में बनाया था कांग्रेस के बैनर पर कुशवाहा समाज ने, वैसा ही इतिहास बना करके हम इस प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ देंगे। ये हमने एक शांति सद्भाव और भाईचारा बनाने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। इसमें सर्वहारा वर्ग के लोग उपस्थित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति हम आपसे प्रेम रखें, इसलिए हमने ये होली मिलन समारोह रखा है। और हमारी ये इच्छा है कि अब होली मिलन समारोह के अवसर पर हम चाहते हैं कि मध्यप्रदेश में श्रीमंत सिंधिया जी ने जो विकास किया है, क्या श्रीमंत सिंधिया जी जो हमारे जनजन के नेता हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे आके मुख्यमंत्री बने और हमारी मतभेद में सरकार बने, यही हमारी भावना है। इसी भाईचारे के साथ हमने ये होली समारोह रखा है। समाज और जनता से कांग्रेस का प्रणाम आता है, उसे सरकार चलाना आता है, उसमें सर्वप्रथम अग्रणी में हमारे श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी मध्यप्रदेश के मुखिया के रूप में रहेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। तो एक चर्चाओं का दौर शुरू रहा कि पूरा कार्यक्रम टिकट की कवायदों को लेकर है,
नहीं, हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं पिछले 40 साल से अब काम करते जा रहा हूँ, चाहे बेला कांड हो, चाहे मेला कांड का मामला हो, चाहे धर्मेंद्र कुशवाहा से काम करो या कोई जन समस्या हो, हम तो चाहते हैं कि जिस किसी को भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा हम उसका साथ देंगे। वैसे इस क्षेत्र में कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, इसमें 3 बार नारायण सिंह कुशवाहा आपने देखा विधायक बने, मंत्री बने, मगर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे हर वर्ग का आदमी चाहता है कि क्षेत्र में कुशवाहा को टिकट मिले। इसके बावजूद भी हमारे राहुल भैया जी या राहुल गांधी जी या श्रीमंत सिंधिया जी जिन्हें चाहेंगे, जो जनता इसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा, और जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब मिलकर काम करेंगे और निश्चित जीत। विक्रम संवत 2075 का स्वागत शहर के लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। एक और नगर निगम के जल विहार परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर मुरार के बंसीपुरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यादव द्वारा नव संवत्सर का स्वागत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कर नए साल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कवि कवित्रियों ने हाथ से वीर और श्रृंगार रस की कविताएं सुनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। विक्रम संवत 2075 इस आयोजन की शुरुआत डॉक्टर मधुलिका सिंह ने सरस्वती वंदना से की, उसके बाद कुमारी दिव्या सिंह यादव द्वारा गाए गए वंदे मातरम द्विवेदी इस आयोजन में शामिल कवियों ने एक से एक बढ़कर एक रचनाएं सुनाकर दर्शकों देखो थोड़ा सा आप लोग रचनाएं सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्था के अध्यक्ष भाई रूप सिंह राजपूत जी ने और उनकी टीम ने बलराम जयंती, हम नंदलाल बाल कल्याण समिति पर बलराम जयंती का आयोजन करते हैं, उस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है और एक बड़ा कार्यक्रम भगवतसा सभागार में लगभग 11 वर्षों से चलता चला आ रहा है। समिति के लोगों ने तय किया कि यह अपनी वर्ष है, किसानों की नव वर्ष है, चैत की वर्ष है, इस नव वर्ष को हम धूमधाम से मनाएं। इस क्रम में ये संस्था का प्रथम वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर, नव वर्ष के अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य जो कविगण अपने यहाँ पधारे हैं, ये बड़ी बड़ी दूर दूर तक कविताएं इन्होंने पढ़ी, क्योंकि सभी ग्वालियर में रहते हैं और ये पहला प्रयास इस नव वर्ष पर प्रारंभ किया गया है, तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इस वर्ष को अभी शहरों में लगता है कुछ समय से हमको देखने में लग रहा है कि हिंदू नब्बर शपथ मना रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में ये गांव का वर्ष है, ये किसानों का वर्ष है, ये किसानों का वर्ष फसल आती है और तमाम सारा हम जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं वो 9 लोगों में ही प्रारंभ करते हैं, और इसलिए हम सब लोगों के लिए इस साल का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए इतना ही सब सब का मुझे आप सब लोगों से कहना था, निवेदन करना था, अगली बार हर साल से जब कार्यक्रम का आयोजन होगा तो भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। अब हम सब लोगों के बीच में भारत माता की, भारत माता की। श्री रोशन मणि जी से को आग्रह करता हूं और कार्यक्रम का संचालन उनको सुपर कर देता हूं। श्री रोशन मणि, जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था वो कविता थी, जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था वो कविता थी, जिसके स्वर में दिनकर में हुंकारा था वो कविता है, जो मानस बन का घर घर गाई जाती है वो कविता है, जिसके स्वर में आरती सजाई जाती है ये कविता मंदिर में जाकर गाओ पूजन बन जाती है। तो मैं आपको भाई वंदना सुनाने जा रही हूँ, माँ सरस्वती की वंदना, और ये वंदना इस तरह की है कि मैं माँ पीताम्बर पीठ पर जब अपना जब व्रत तेरे मेरे मन भाते जयती जय जय सरस्वती माते, श्वेत हार धवला है देवी, श्वेत हार धव
जयती जय जय सरस्वती माते, जो जन शरण तुम्हारी आता, जो जन शरण तुम्हारी आता, कृपा पात्र हो है बन जाता। जयती जय जय सरस्वती माते, माँ के नामों को बताने प्रयास करोगे। मीरावादिन मीर धारिणी, मीरा धारिण मीर धारिणी, कृपा करो ओ हंसवाहिनी। आन विराजो मम जिव्यापर, आन विराजो मम जिव्यापर, जीवन मेरा सफल बना दे। जयती जय जय सरस्वती माते, अनंत स्वर सा क्या कुलालिका, ये माँ के नाम है सर। अनंत स्वर सा क्या कुलालिका, देवदान कंठ का मुझको, हर पल तेरा गान करूँ माँ। जयती जय जय सरस्वती माते। आज हमारा 9 संवत्सर 2077 प्रारंभ होने जा रहा है, तो मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की नवरात्रि में प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें हम 9 अलग अलग देवियों की प्रार्थना करते हैं, तो आज मैं भारत माता के चरणों में एक कविता समर्पित करती हूँ। जन जन के जननायक, जन 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 गण मन के नाम करो, जन जन के जननायक, जन गण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। इस धरती के खातिर जो बन मिटे नाम को भूलो, इस धरती के खातिर जो बन मिटे नाम को भूलो, नतमस्तक हो शीश से पावन रज को छू लो, नतमस्तक हो शीश से ऐसे पावन रज को छू लो। पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है, पुरखों के इतिहास को गाता अपना अमर तिरंगा है। पौलादी है खड़ा हिमालय, बहती पावन गंगा है, पौलादी है खड़ा हिमालय, बहती पावन गंगा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा मिल करके गुणगान करो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा मिल करके गुणगान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। साथी जी का संस्कार मर्यादा वाली हम पर पार्टी भूल रहे, संस्कार मर्यादा वाली हम पर पार्टी भूल रहे, भूल रहे राणा चेतक को हल्दी घाटी भूल रहे। स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है, स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है। भगत सिंह शेखर सुभाषी इसमें झांसी की रानी है, भगत सिंह शेखर सुभाषी इसमें झांसी की रानी है। शत शत नमन करो वीरों को, शत शत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से देशद्रोही नारे निकलते हैं, तब पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका बंद करो, पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका बंद करो। जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो, जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाए हिंदुस्तान जरूरी है, हिंदुस्तान जरूरी है। मानवता का फर्ज निभाओ, मानवता का फर्ज निभाओ, फिर ध्यान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान, वंदे मातरम।
वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो तुलसी दूर कबीर की धरती तुलसी का तप त्याग यहाँ सूर्य और रसखान की वाणी मीरा का वैराग यहाँ दिनकर भूषण पंत निराला और सुभद्र की गौरव गाथा दिनकर भूषण पंत निराला सुभद्र की गौरव गाथा बिस्मिल्ला की शहनाई में बजती थी भारत माता बिस्मिल्ला की शहनाई में बजती थी भारत माता वाल्मीकि की संस्कृति का सब मिलकर निर्माण करो वाल्मीकि की संस्कृति का सब मिलकर निर्माण करो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो धन्यवाद। कि कौन कहता है कि जमीन पर परियां नहीं होती कौन कहता है कि जमीन पर परियां नहीं होती दोजख है वो घर जिस घर में बेटियां नहीं होती। लाल हुआ गया है तेरा लाल सर पे मसार दे दी हाथ धर दीजिए और टूटी फूटी बोली है जी खाली मेरी झोली है जी जीवन में ज्ञान का प्रवाह भर दीजिए कि आंसुओं की बहे धार नैनों में है अंधकार कि आंसुओं की बहे धार नैनों में है अंधकार तम को मेटा के मां प्रकाश कर दीजिए और एक यही रीति लिखूं देशभक्ति गीत लिखूं बालक अवोध को माया सा भर दीजिए कि एक यही रीति लिखूं देशभक्ति गीत लिखूं बालक अवोध को माया सा भर दीजिए कि मंच पे विराजमान श्रोता और गरमान कि मंच पे विराजमान श्रोता और गणमान्य हाथ जोड़ता हूँ बंधन स्वीकारिए और करता और गीत छंबड़ेंगे आगे मंद मंद आप सब मेरे बस भागवा किए कि छोड़िए ये दल बल भूल जाओ राज दल कि छोड़िए ये दल बल भूल जाओ राज दल हाथ में कलम ले वाणी पुत्र कहलाइए और मंच का छोटा हूँ चंबिल का बेटा हूँ एक बार हाथ खोलो हौसला बढ़ाइए कि मंच का छोटा हूँ चंबिल का बेटा हूँ एक बार हाथ खोलो हौसला बढ़ाइए और जिनने लगा के दाव हमें दिए सदा घाव तलवार नहीं रुकेगी मियान में कि कोई सब अब होता नहीं होगा नहीं जीती हुई भूमि अब देंगे नहीं दान में और सेना को देनी होगी तीन दिन की खुली छूट सारा पाकिस्तान होगा अपने हिंदुस्तान में सेना को देनी होगी तीन दिन की खुली छूट सारा पाकिस्तान होगा अपने हिंदुस्तान में मानव अब तो लगता कोसों दूर हुआ तड़प रही थी गर्भाशय में बिन पानी के मछली थी नन्हे से हृदय में उसके कोंद रही थी बिजली थी हाहाकार उधर में करती आंगन की किलकारी थी धरती फटती गगन कांपता उठने लगी चिंगारी थी देख रही थी पेट के अंदर होते खूनी मंदर को आंखें लाल डॉक्टर करता हाथ में लेके खंजर को चीख चीख कर कहती बेटी क्या ये जुर्म हमारा है और गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है खड़ा पिता भी देख रहा था कटते अपनी बेटी को विडम्बना दे दिया कि खड़ा पिता भी देख रहा था कटते अपनी बेटी को और हाथ में थैला लेकर रखता एक एक बोटी को पेनी छुरी पेट के अंदर जब कहराम मचाती थी लहर कोई सागर से उठ के अम्बर से टकराती थी बेटी चली गई दुनिया से मुश्किल हो गया जीना है डॉक्टर बोला घर जाओ गर्भपात कर दीना है खूनी खेल रात भर देखा कांपा दिया हमारा है खूनी खेल रात भर देखा कांपा दिया हमारा है खूनी खेल रात भर देखा कांपा दिया हमारा है और गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है गर्भपात करवाए पिता वो पिता नहीं हत्यारा है। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ मैं उस दर्द की चरम सीमा को देखना उस पीड़ा की चरम सीमा को देखना कितना कुछ होने के बावजूद भी क्या हालात हैं उसके कि वो काली रात भयानक थी और तूफानी बादल थे
वो काली रात भयानक थी और तूफानी बादल थे, चली गई आने से पहले तन मन उसके घायल थे। खूनी कफन हाथ में लेकर बाप चलाता दफनाने, मकमर घट में मुझे दबाओ भ्रूण लगाता चिल्लाने। अत्याचारी बने पिताजी, अत्याचारी बने पिताजी, मती किसी से कहना तुम। कभी कभी तो पापा मिलने मरघट में आ जाना तुम, कभी कभी तो पापा मिलने मरघट में आ जाना तुम। और एक संदेश लेकर जाना, एक कसम खाकर जाना यहाँ से कि बांध के मुट्ठी कहो जोर से अब ये काम नहीं होगा, बांध के मुट्ठी कहो जोर से अब ये काम नहीं होगा। कोख के अंदर अब बेटी का कत्ले आम नहीं होगा, कोख के अंदर अब बेटी का कत्ले आम नहीं होगा। मत बेटी के बनो कसाई, ये साहिल का नारा है। गर्भपात करवाए पिता, वो पिता नहीं हत्या। जिस देश में माँ बहनों को पूजा जाए वहीं हरदाली माँ बहनों पर क्यों होती है? एक गरीबा हर मजहब के बेटों से पूछ पूछ कर खून के आंसू रोती है। जिस देश में माँ बहनों को पूजा जाए वहीं हर गाली माँ बहनों पर क्यों होती है? सोचने की बात है कि हम जब दो भूख भी लड़ते हैं तब गाली हम किसी को देते हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है। और जब हम ये हम नववर्ष मना रहे हैं, जब हम भारतीय नववर्ष मना रहे हैं, गिरी बना बैठा है आदमी यहाँ, प्रेम भाव से तो पत्थर पिघल पाया है। और सूरज कब कहता है कि मैं सूरज हूँ? अरे लोग कहते हैं कि देखो सूरज निकल आया है। क्या बात है, बात 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 बहुत से आते हैं बनाने ताज महल, पर हर किसी की बीवी मुमताज नहीं होती, हर किसी की बीवी मुमताज नहीं होती। मेरे सामने वाले सब असरदार हैं, दाएं और बाएं वाले भी खबरदार हैं, पर जो बैठे हैं मंच पर राहत भरे, ये सब तुम्हारी तालियों के कर्मदार हैं, ये सभी तुम्हारी तालियों के कर्मदार। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सारे चिको आवाज के कवि है धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, उन्होंने लिखा जब शहीद की बिना सरकटी लाश उसके घर पे आई तो उन्होंने चार पंक्ति, उन्होंने उसकी शहीद की बहन का दर्द लिखा कि दादी का दुलार भूला बापू का प्यार भूला, कि दादी का दुलार भूला बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखी त्योहार बार बार बिसराया है। सुन भाभी भैया तो जब भैया तो भलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज भूल आया है, और जाते समय मैया की आशीष लेना भूल गया, आज रणस्थल में अपना शीश छोड़ आया है, आज रणस्थल में अपना शीश छोड़ा। कि क्षेत्रवाद जातिवाद माओवाद चारों ओर देश राज मेरा बद हाल कैसे हो गया, कि संसद से मंदिर में बंडल चले है बंधु नेताज बोलो माला माल कैसे हो गया, कि सूख चुके आंसू आज सदियों की आंख में और रोता संविधान ये कमाल कैसे हो गया, और सीधे सीधे काम आज होते नहीं जनता के, आज हर काम में दलाल कैसे हो गया, आज हर काम में दलाल कैसे हो गया। है हम कैद पड़े हैं अपने ही गलियारों में, लगता है हम कैद पड़े हैं अपने ही गलियारों में, सूरज है ठेके पर दुनिया डूबी है अंधियारों में, हम शिखरों पे गिर कर आए, हम शिखरों पे गिर कर आए, हमको कौन संभालेगा, अभिमन्यु है चक्रव्यूह में उसको कौन निकाले, जियो जियो अभिमन्यु है चक्रव्यूह में उसको कौन निकालेगा। पहले मुगलों ने लूटा फिर अंग्रेज आए थे, अपने ताजी अपने लूटे हम किधर को जाए रे, किसको चिंता भारत मां की, किसको चिंता भारत मां की, सब मस्त पड़े परिवारों में, सूरज है ठेके पर दुनिया डूबी है अंधियारों में। मंडी यहाँ पर वैभव की ऊंची मंडी, यहाँ पर सब बिकता बाजारों में, एक अमूल है बोट यहाँ पर बेच डाला दारू में, कहूँ बेच दो अपने मन की सदा जियो उजियारों में, सूरज है ठेके पर दुनिया डूबी है अंधियारों में, हम शिखरों से गिर कर आए हमको कौन संभालेगा, अभिमन्यु है चक्रव्यूह में उसको कौन निकाले, अंत गठबंधन है बाजारों में,
नेताजी ने काम बांट दिया सारा ठेकेदारों में, घुटने टेके नौकर चाहिए सत्ता के गलियारों में, सूरज है ठेके पर दुनिया डूबी है अंधियारों में। चुनाव संवत्सर आया है, नए साल में हम सभी की कुछ ना कुछ कामनाएं होती हैं। मेरी क्या कामनाएं हैं वो कामनाएं आपके सामने रखती हूँ और आप सभी का तेरे ढलता कुंडंगों में तेरे तरलता नीर सी देना, सरलता बिंदु सी देना, तरलता नीर सी देना, सरलता बिंदु सी देना। और महिम गिर की धवल चोटी मैं ही गंगा का पानी हूँ, महिम गिर की धवल चोटी मैं ही गंगा का पानी हूँ, मैं गुंजित श्रेष्ठी कण कण दया ममता क्षमा बनकर, मैं सीता श्यामा सावित्री मैं ही दुर्गा भवानी हूँ। वंदे मातरम गाओ, वंदे मातरम गाओ, वंदे मातरम गाओ, वंदे मातरम है ये शुभ धर्म अपना, सदियों से शोषित हृदय की प्रार्थना का गीत है, सदियों से शोषित हृदय की प्रार्थना का गीत है, ये है अपना स्वाभिमान, ये है अपना स्वाभिमान, अपनी ये पहचान हमको, गाओ वंदे मातरम गाओ वंदे मातरम। शुभकामना सुविचार है ये हमारी शांति की, शुभकामना सुविचार है ये हमारे देश के प्रति प्रेम का उद्गार है। कोई भी खेल हो वो शर्तें हम चलाएंगे, पतंगे तुम उड़ाओ पर हवाएं हम चलाएंगे। क्या बात है, कोई भी खेल हो दोस्त शर्तें हम चलाएंगे, पतंगे तुम उड़ाओ पर हवाएं हम चलाएंगे। तुझे मंजूर हो तो बोल तेरे साथ आए हम, नदी तेरी तेरी ही नाव लहरें हम चलाएंगे। क्या बात है, ना तो मैं रोज का कवि हूँ, ना मैं सोच का कवि हूँ, ना मैं होज का कवि हूँ, ना रोज का कवि हूँ, मैं तो बस सिर्फ आपकी सोच का कवि हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी सोच का कवि हूँ। इसा मैं कहता हूँ कि मेरे मकान से मेरी औकात का पता न लगा, बहन जी मेरी मकान से मेरी औकात का पता न लगा, मेरे खाते में लोगों का प्यार जमा है और तेरा मकान बड़ा बन गया कुछ इस तरह कि तेरे खाते में लोगों का उधार जमा है, कि तेरे खाते में लोगों का उधार जमा है। तरकस के तीर मैंने कुछ यूं चला दिए थे, कुछ तुमको लगे थे कुछ मुझको लगे थे, मैं सहन कर गया था तुम तिल मिला गए थे। तरकस के तीर मैंने कुछ यूं चला दिए थे, अब तो आप किसान की बात चली थी, हमने तुमको सत्ता सौंपी खेतों को ललहाने को, भूमि अधिग्रहण की बात चली थी, जब हमने हमारी धरती छीनी बिल्डिंग महल बनाने को, ये कैसा राजधर्म, ये कैसा किया कर्म। मात पिता से है बड़ा कोई पीर, मात पिता से है बड़ा वान कोई पीर, पूजनीय वो प्रथम है जो पाले दिल चीर, जो पाले दिल चीर। और नहीं तो करने चाहिए किसी पेड़ की छाँव, और दमदम होगी पाँव में तो जा पहुँचेंगे गाँव, जा पहुँचेंगे गाँव। सोने के पिंजरे में बंद हुई बैना, अर्थहीन हुए सभी प्यार भरे बैना, कि अर्थहीन सोने के पिंजरे में बंद हुई बैना, कि सांझ हुई साँझ हुई की राम तोता
रह के बिजली सुदियों की कौंद रही, रह रह के बिजली बदली, ना माना तो थे का मैं ना लेके ना समझाया कितना ही ना समझी मैं ना, खुशियों को लील गया सोने का गहना, बिदना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, बिदना ने लिख दी नी कि बिदना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, कि बिदना ने लिख दी नी बिरहा की रहना, सोने के पिंजरे आज ये नफरत प्रतिपदा के अवसर पर बंगाल बाल कल्याण समिति द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये नफरत हमारी धूमधाम से मने और ग्रामीण परिवेश के लोग भी इस नफरत को अच्छी तरीके से मनाए, इसके आयोजन के लिए हमने कवि सम्मेलन का आयोजन रखा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।